सबसे पहले तो मैं पीटीएन न्यूज़ को अभिनंदन देता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ कि इन्होंने पाटन सिटी की, खास करके पाटन ज़िले की फिक्र की। और जो हमारे पाटन ज़िले के अंदर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, आप जानते हो एक वक्त वो था हमारे पाटन ज़िले का कि और स्टेट के अंदर और ज़िलों के अंदर रेड जोन बन चुके थे, लेकिन हमारे पाटन ज़िले में एक भी केस नहीं था। लेकिन आजकल आप देखते हो कि हमारे पाटन ज़िले में सदी ऊपर यानी 120 121 का आंकड़ा हमारे पाटन ज़िले का गया है। मृत्यु दर मरण 11 पे पहुंच चुका है। ये हमारे पाटन ज़िले का एक मृत्यु एक मरण भी हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। तो ये पीटीएन न्यूज़ ने जो मुहिम चलाई है कि ये जो केस बढ़ रहे तो इसके लिए वहीवट तंत्र है, पुलिस तंत्र है, मेडिकल विभाग है, वो तो अपनी मेहनत कर रहे, ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन हर नागरिक का फ़र्ज़ बनता है कि कोरोना को हम कैसे रोके। इससे हमारी जात से रोकने की पहला सबसे पहले कोशिश करें कि भाई मुझको जो मेडिकल लाइन से आरोग्य विभाग से जो हमको सूचनाएँ दी जा रही है, सोशल डिस्टेंस रखना, सैनिटाइज का यूज़ करना, बार बार हाथ धोना, बगैर ज़रूरत के बाहर ना निकलना, ये सब हमारे लिए कहा जा रहा है। अगर हम सेफ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे जो चाहने वाले हैं, जो हमारा परिवार है, हमारे बच्चे है, हमारे मदर है, वो हम अपनी उनके साथ लाइव ज़िंदगी गुजार सकेंगे। वरना ऐसा भी हमने देखा हैगा कि बेटा बाप के करीब नहीं होता, बेटा बाप बेटे के करीब नहीं होता, कोई किसी की लाश लेने को तैयार नहीं होता। मैंने अपनी आँखों से देखा हैगा और डॉक्टर खुद हमको कहा गया कि जब एक मृत्यु हुआ हमारे हॉस्पिटल के अंदर तो उसके बेटे को फ़ोन किया कि तुम्हारा फादर एक्सपायर्ड हो गए, तो वो बेटे ने ऐसा जवाब दिया आप उसकी दफन विधि जो अंतिम विधि वो कर लीजिए, मैं नहीं आऊँगा। इसलिए हमको अपनी जान की खुद की सेफ्टी करनी, हिफाजत करनी हैगी। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम आगे चल के अपने परिवार वालों के साथ सुख शांति ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो अब आप देखते हो कोरोना की कोई अभी तक दवाई भी आने के वजूद में नहीं आई है, दिन ब दिन केस बढ़ रहे हैं। और आप ये मत समझना कि चलो ये महीना दो महीने में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, ये कब ख़त्म होगा वो तो मालिक ऊपर वाला ही जानता है का ये बीमारी कब जाएगी। इसलिए आप लोगों से मुअद्दबाना दरख्वास्त से एक नागरिक होने के, एक पट्टन शहर के, एक तंजीम जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से भी हम अपील करते हैं। और ये हमारा शहर है, हमारा शहर स्वस्थ रहेगा तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। इसलिए तमाम नागरिक अपनी तरफ से फिक्र करें कि जितना हो सके हम कोरोना से बचने के लिए जो सावधानियां जो दी जा रही है, सावचेती करने को कहा जा रहा है, उसको हम अपनाएं। और हम आरोग्य विभाग का और इस लाइन से जो भी मेहनत कर रहे हैं, पुलिस टीम है, जितने भी यानी इस लाइन से मेहनत कर रहे हैं, हम उनका साथ दें तो बहुत जल्द ये बीमारी ख़त्म होगी। और आखिर के अंदर मैं फिर से पीटीएन न्यूज़ को मुबारकबादी देता हूँ कि इन्होंने ये मुहिम चलाई, ये फिक्र की। और मैं ये समझता हूँ जहाँ तक कि इंशाअल्लाह ये मुहिम के ज़रिए से हमारे पट्टन ज़िले के अंदर इससे जागरूकता आएगी और लोग यानी कि जो अभी थोड़ी बेफिक्र हो चुके हैं, बाज़ार में हम जाते ऐसा लगता है जैसे बीमारी कोई है नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं है बीमारी हमारे पीछे इर्द गिर्द यानी चक्कर लगा रही होती है, कब हमारे शरीर में चली जाएगी हमको पता भी नहीं चलेगा। और आप ये मत समझना कि भाई मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं जवान हूँ, तो वो तंदुरुस्ती भी नहीं देखती, जवानी उम्र भी नहीं देखती बीमारी। जब मान लो आपने सेल भी इसके अंदर लापरवाही की तो बीमारी आपके अंदर आ जाएगी, इसकी कोई दवा नहीं है। इसलिए हम खुद अपनी जात से इसकी सेफ्टी करें, अपने घर वालों को इससे रोकें, अपने महल्ले वालों को समझाएं, अपने जो मिलने जुलने वाले उनको भी समझाते रहे कि भाई आप सोशल डिस्टेंस रखें, सैनिटाइज का इस्तेमाल कीजिए और इस लाइन से मेडिकल लाइन से जो कहा जाता है उसको आप अपनाइए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द फ़ायदा होगा और ये बीमारी हमारे शहर से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह।